आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान खबरें सबसे तेज। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे, आज से शुरू हो रहा है देश में दूसरे फेज का कोरोना वैक्सीनेशन। 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगेगा कोरोना का टीका और 45 वर्ष से किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को लगेगा कोरोना का टीका। क्या कुछ रहेगी गाइडलाइन बताएंगे इस अपडेट में। साथ ही अब 1 करोड़ नए लोगों को फ्री गैस कनेक्शन देगी मोदी सरकार, कैसे करना है अप्लाई बताएंगे इस अपडेट में। साथ ही 50 लाख से ज्यादा यूजर्स वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए बनी नई श्रेणी, सरकार ने कड़े किए हैं नियम, इस खबर के बारे में करेंगे बात। साथ ही यूपी में ऐसे स्टूडेंटों को 2 किस्तों में मिलेगी स्कॉलरशिप, क्या कुछ इसमें यहां पर गाइडलाइन रहने वाली, इस खबर के बारे में करेंगे बात। साथ ही फास्टैग को लेकर यहां पर सरकार का एक बड़ा अपडेट है, इस खबर के बारे में करेंगे बात। साथ ही महाराष्ट्र में फिर बढ़ा है कोरोना का कहर, पुणे में 14 मार्च तक बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज, इस खबर के बारे में करेंगे बात। साथ ही कुल मिलाकर आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। चलिए बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो आज से शुरू हो रहा है दूसरे फेज का कोरोना वैक्सीनेशन। टीका लगवाने से पहले तैयार कर लें जरूरी डॉक्यूमेंट। आज यानी 1 मार्च यानी आज से यहां पर कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। इस चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं इस चरण के लिए सरकार ने कुछ यहां पर दिशा निर्देश यहां पर जारी किए हैं। इस चरण में 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को और 45 से 59 वर्ष की आयु वर्ग के उन लोगों को शामिल किया जाएगा जो गंभीर रोग से ग्रसित है। इसके साथ ही केंद्र ने निजी अस्पतालों की एक सूची यहां पर जारी की है जो देशव्यापी यहां पर कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। वही वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन सभी के लिए आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट जमा आपको पहले कराने होंगे। वह रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी किया जा सकता है। वही टीकाकरण की पूरी प्रक्रिया कोविन ऐप के जरिए ही होगी। वही इस ऐप में टीकाकरण केंद्र से लेकर यहाँ पर टीका लेने वाले लोगों की पूरी सूची इसमें होगी। यदि आप भी कोरोना टीका लेना चाहते हैं तो आपको कोविन ऐप से ही अप्लाई करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद फोन पर SMS के जरिए आपको अपॉइंटमेंट की जानकारी मिलेगी। वही कोरोना वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास कुछ यहाँ पर जरूरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट चलेगा, जैसे कि वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, सर्विस आईडी है, या फिर आपको जो नरेगा का जो कार्ड होता है वो भी अगर आपके पास है तो उससे भी आप ये काम करवा सकते हैं। इसके अलावा पासपोर्ट, स्मार्ट कार्ड, पहचान पत्र और पोस्ट ऑफिस की पासबुक भी आप जमा करा सकते हैं। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट को आपको सबमिट कर रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। जिस डॉक्यूमेंट से आपने रजिस्ट्रेशन कराया उस दौरान वही मतलब जो डॉक्यूमेंट है वो आपको वैक्सीनेशन के दौरान आपके साथ रखना होगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो सरकार ने कारोबारियों को दी है बड़ी राहत, अब 31 मार्च तक भर सकेंगे एनुअल GST रिटर्न। सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड GST का वार्षिक रिटर्न भरने की समय सीमा को 31 मार्च तक बढ़ा दी है। ये सरकार द्वारा दिया गया दूसरा विस्तार है। पहले इसकी समय सीमा यहाँ पर 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 28 फरवरी 2021 कर दी गई थी। वहीं वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि समय सीमा यहाँ पर समय सीमा के भीतर रिटर्न भरने में करदाताओं को आ रही दिक्कतों के मद्देनजर सरकार ने 2019-20 के लिए GSTR रिटर्न 9 और GSTR रिटर्न 9C भरने की समय सीमा बढ़ाई है। वही समय सीमा में यह विस्तार चुनाव आयोग की मंजूरी के साथ यहाँ पर चुनाव आयोग की मंजूरी के साथ किया गया है। वही GSTR 9 एक वार्षिक रिटर्न है जो कि GST के तहत पंजीकृत करदाताओं को भरना होता है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो महाराष्ट्र में फिर बड़ा कोरोना का कहर, पुणे में 14 मार्च तक बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना वायरस का कहर यहां पर बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से पुणे में स्कूल और कॉलेज को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने सभी कॉलेजों को और स्कूलों को यहां पर 14 मार्च तक बंद रखने का आदेश यहां पर जारी किया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों का कहना है कि लोगों की लापरवाही के चलते महाराष्ट्र में एक बार फिर से संक्रमण की चपेट में महाराष्ट्र आता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा पुणे में कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे। इस बात की घोषणा शहर के मेयर ने की है। उन्होंने बताया है कि यहां 24 फरवरी के बाद प्रतिदिन 1000 नए संक्रमण के मामले मिल रहे हैं। इससे पहले नागपुर जिले के स्कूल, कॉलेजों और कोचिंग सेंटरों को 7 मार्च तक बंद रखने का आदेश यहां पर दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो 1 करोड़ नए लोगों को फ्री रसोई गैस कनेक्शन देगी मोदी सरकार। वर्तमान समय में शहर के साथ साथ गाँवों में भी खाना पकाने के लिए LPG गैस सिलेंडर का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। वही केंद्र सरकार की योजना है कि अगले 2 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री LPG गैस सिलेंडर दिए जाएंगे, यानी गैस कनेक्शन यहां पर उनको दिए जाएंगे। दरियाल पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर ने रविवार को ये कहा है कि सरकार अगले 2 सालों में 1 करोड़ जरूरतमंद लोगों को फ्री LPG गैस कनेक्शन देगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इस साल बजट पेश करते हुए उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ और लोगों को LPG गैस कनेक्शन फ्री में देने की
की घोषणा की थी। वहीं गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन गुजारने वाले लोगों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत घरेलू गैस कनेक्शन दिया जाता है। अब तक बड़ी संख्या में महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हुई है। वहीं सरकार उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करने वाले हर परिवार को 1600 रुपए की आर्थिक सहायता यहाँ पर प्रदान करेगी। वहीं न्यूज एजेंसी पीटीआई के अंदर यहाँ पर दिए हुए एक इंटरव्यू में कपूर ने कहा है कि सिर्फ 4 वर्षों में गरीब महिलाओं के घरों में रिकॉर्ड 8 करोड़ फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर यहाँ पर दिए गए हैं, कनेक्शन दिए गए हैं, जिससे देश में एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर लगभग 29 करोड़ हो गई है। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण इलाकों में घरेलू प्रदूषण से छुटकारा पाने और महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। उन्होंने बताया है कि उपभोक्ताओं को जल्द ही केवल एक वितरक से बंधे होने के बजाय अपने पड़ोस में 3 डीलरों में से एक रिफिल सिलेंडर प्राप्त करने का विकल्प उन्हें मिलेगा। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन के लिए बीपीएल परिवार से कोई भी महिला अप्लाई कर सकती है। इसके लिए केवाईसी फॉर्म भरकर नजदीकी एलपीजी सिलेंडर यहां पर जो एलपीजी सेंटर होता है उसमें आपको यहां पर जमा कराना होगा। अप्लाई करते समय आपको ये बताना होगा कि आप 14 किलो और 200 ग्राम वाले गैस सिलेंडर के मतलब ये सिलेंडर आप लेना चाहती है, फिर या फिर 5 किलोग्राम का। उज्ज्वला योजना का फॉर्म आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर एलपीजी सिलेंडर की जो सेंटर होता है एलपीजी सेंटर उससे भी आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। बात करें अगली बड़ी खबर की तो यूपी में एससी स्टूडेंटों को 2 किस्तों में मिलेगी स्कॉलरशिप, केंद्र सरकार करेगी 60% की मदद। उत्तर प्रदेश में दलित छात्रों की स्कॉलरशिप को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है सामने। राज्य सरकार के मुताबिक कक्षा 10 से ऊपर की कक्षाओं और अन्य पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की राशि 2 किस्तों में मिलेगी। समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक ने बताया कि इस नई छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य सरकार और केंद्र सरकार अलग अलग हिस्सों में स्टूडेंट को राशि प्रदान करेगी। अनुसूचित जाति के स्टूडेंटों को छात्रवृत्ति की फीस की भरपाई वितरण पर आने वाले कुल राशि का 40% प्रदेश सरकार देगी, बाकी बचा 60% केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। वही आगे उन्होंने बताया कि यह योजना अनुसूचित जाति के कक्षा 10 से ऊपर की कक्षाओं और MBA और इंजीनियरिंग, नर्सिंग और मेडिकल आदि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पढ़ रहे स्टूडेंटों के लिए है। जो स्टूडेंट आर्थिक रूप से कमजोर है और जरूरतमंद है और अपनी फीस जमा कराने में असमर्थ है मगर 10वीं के आगे वो पढ़ना चाहते हैं, ऐसे छात्रों के लिए ये स्कॉलरशिप है। चालू शैक्षणिक सत्र में छात्रवृत्ति के लिए ऐसे कुल 9,82,056 छात्र छात्राओं ने आवेदन किया है। अभी तक जिला कमेटी कुल यहाँ पर 3.5 लाख स्टूडेंट के ब्यौरा मतलब 3,50,000 के आसपास यहाँ पर स्टूडेंटों के ब्यौरे का सत्यापन कर चुकी है। बात करें अगली बड़ी खबर की तो फास्टैग से सरकार की रिकॉर्ड कमाई, एक दिन में आए 100 करोड़। 15 फरवरी का आधी रात से राष्ट्रीय राजमार्ग पर से गुजरने वाले सभी वाहनों पर फास्टैग लगाना अनिवार्य हो गया है। वहीं फास्टैग से सरकार की कमाई ने रिकॉर्ड तोड़ दी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने एक बयान में कहा है कि फास्टैग के जरिए डायरेक्ट टोल कनेक्शन लगभग 104 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर को पार पहुंच गया है। वही NHAI ने एक बयान में बताया कि सप्ताह के दौरान यहां पर टोल संग्रहण प्रतिदिन 100 करोड़ से ज्यादा रहा है। 25 फरवरी को फास्टैग के माध्यम से टोल संग्रहण 64.5 लाख से अधिक दैनिक लेनदेन के साथ यहां पर 103.94 करोड़ रुपए का उच्चतम निशान तक ये पहुंच चुका है। वही फास्टैग के लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य बनाने वाले केंद्र सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि सरकार ने 15 फरवरी की मध्य रात्रि से फास्टैग को अनिवार्य बना दिया है और जिस वाहन में फास्टैग नहीं लगा उसे देश भर के इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लाजा से दुगुना भुगतान करना होगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की तो सोने के दामों में बम्पर गिरावट, 10,500 रुपए तक गिर चुके हैं दाम। इस हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में यहां पर लगातार गिरावट आ रही है। हफ्ते के पहले दिन और आखिरी दिन तक सोना लगातार गिरावट सोने के अंदर देखने को मिल रही है। सोने की कीमत में बड़ा बदलाव हुआ है और हफ्ते के पहले दिन सोना 46,546 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। वहीं हफ्ते के आखिरी दिन शुक्रवार को सोना 45,767 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं शुक्रवार को सोना 475 रुपए प्रति 10 ग्राम इसके यहां पर दामों में गिरावट हुआ है। वहीं 22 फरवरी को सोने की कीमत 40,546 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। वहीं 23 फरवरी को 24 कैरेट सुत्ता वाले सोने की कीमत 40,928 रुपये थी। वहीं ये लगातार यहां पर इसमें लगातार कई दिनों से गिरावट का दौर जारी है। वैसे हफ्ते में सोने की कीमत में बड़ी गिरावट हुई है। सोना हफ्ते में करीब यहां पर 1,000 रुपये तक सोने के दाम गिर गए हैं। वहीं सोना सोमवार को 46,749 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा तो वहीं शुक्रवार को उसकी कीमत 45,767 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है।
भाई फरवरी की बात करें तो सोना 2000 रुपए तक सोने का दाम इस बार गिरे है। भाई सोने की कीमत फरवरी महीने में करीब 2000 रुपए की सोने चांदी की मतलब सोने की कीमत में 2000 रुपए तक की गिरावट आई है। जहां 1 फरवरी को सोना 48,700 रुपए प्रति 10 ग्राम था। बात करें देश भर के कोरोना आंकड़ों की तो देश भर में पिछले 24 घंटों में करीब 17,000 नए कोरोना के केस आए सामने। अब तक भारत में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को लग चुकी है कोरोना की वैक्सीन। देश में कोरोना के मामलों में अचानक उछाल दिखा गया है। लगातार चौथे दिन कोरोना वायरस के मामले 16,000 से ज्यादा मामले आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 16,752 नए कोरोना के केस भारत में दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में यहां पर 113 लोगों की जान गई है। हालांकि 11,718 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं पिछले 24 घंटों के अंदर। वहीं से पहले एक दिन पहले 16,888 नए कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो जारी किए गए ताजा आंकड़े हैं उनके अनुसार देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,10,96,731 हो गई है। अब कुल 1,57,051 लोगों की जान जा चुकी है। 1,07,75,169 लोगों को मतलब ये लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। देश में अभी एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 1,64,511 हो गई। यानी इतने लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वही महाराष्ट्र में लगातार चौथे दिन यहाँ पर कोरोना के 8,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 21,46,777 हो गई है। वही राज्य में संक्रमण से अभी तक यहाँ पर जो पिछले 24 घंटों में मामले सामने आए हैं वो 8,723 यहाँ पर नए मामले सामने आए हैं और 51 लोगों की इस दौरान 24 घंटों में मौत हुई है। महामारी के कारण राज्य में मौतों का आंकड़ा 52,000 पर पहुंच गया है। वहीं पूर्वी महाराष्ट्र के अमरावती शहर में लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। नागपुर में और यवतमाल में साप्ताहिक लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं यहाँ पर 26 फरवरी तक देश भर में 1,43,1,167 स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना योद्धाओं को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। वह बीते दिन 58,741 लोगों को कोरोना का टीका लगा। इससे पहले 26 फरवरी को सर्वाधिक 8,01,480 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया था। वैक्सीनेशन की दूसरी खुराक लेने का अभियान 13 फरवरी से शुरू हुआ है। वही सरकार ने फैसला किया है कि 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को और किसी दूसरी बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों का कोविड-19 का जो टीका है वो आज से लगना शुरू हो जाएगा। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।